किसी भी दवा को विकसित करने में जानवर बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन पर वैज्ञानिक शुरुआती परीक्षण करते हैं। कोरोना को लेकर वैज्ञानिक चूहों पर दवा का परीक्षण करने में लगे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक हमेशा चूहों पर क्यों प्रयोग करते हैं, दूसरे जानवरों पर क्यों नहीं करते? तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को ऑल पर कर देना। पहला कारण यह है कि चूहा और मानव दोनों स्तनधारी है। दोनों के शरीर की कोशिकाएं भी समान होती है, इसलिए दवाई जो असर चूहे पर करेगी वही इंसान पर भी करेगी। हालांकि समान तो चिंपांजी भी है, पर उनका इस्तेमाल आगे के दो कारण से नहीं किया जाता। चूहे को लैब में रखना, पालना, संभालना बहुत आसान है क्योंकि यह बहुत ही छोटे होते हैं, पर किसी और जानवर के साथ ऐसा बहुत मुश्किल होगा। मान लीजिए अगर किसी दवाई का असर देखना है कि दवाई यदि माँ बाप को दी जाती है तो उसका बच्चों पर क्या असर होगा, तो इसके लिए चूहा बहुत ही बेहतर विकल्प है। चूहे का बेहतर विकल्प होने का कारण यह है कि चूहा 21 दिन बाद 8 से 10 बच्चे देता है। ज़्यादा बच्चे देने के कारण काफ़ी सारे बच्चों पर दवाई के असर को अध्ययन किया जा सकता है। चूहा बच्चे भी 21 दिन बाद दे देता है तो दवाई के असर को अध्ययन करने के लिए केवल 21 दिन का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको पोलियो दवाई का असर देखना है। अगर आप यह पोलियो दवाई इंसान के बच्चे को 2 साल की उम्र में पिलाते हैं तो दवाई असर कर रही है या नहीं, इसका असर आपको 15 साल बाद पता लगेगा, क्योंकि पोलियो बीमारी 15 साल के आसपास शरीर को अपंग कर देती है। परंतु वही चूहे में देखें तो पोलियो होने के 6 महीने बाद ही चूहा अपंग हो जाता है, इसलिए चूहे में 6 महीने बाद ही पोलियो के असर का अध्ययन किया जा सकता है। चूहे की जिंदगी 2 साल ही होती है, जिससे उसके जीवन की सारी गतिविधियाँ इंसानों से जल्दी होती है। चूहा जल्दी बड़ा होगा, जल्दी बच्चे पैदा करेगा, जल्दी मर भी जाएगा। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी कारण है। यह कारण समझने में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ध्यान से सुने। जब भी कोई दवाई चूहे को दी जाती है तो चूहे की प्रतिरोध क्षमता दवाई के प्रति कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करती है। उदाहरण के तौर पर यदि चूहे को दवाई 1 दी गई है तो चूहे का प्रतिरोध उस दवाई को कुछ अलग प्रकार में बदल सकता है। मान लीजिए किसी चूहे को दवाई 1 दी गई, चूहे का प्रतिरोध दी गई दवा को दवाई 2 में बदल सकता है। अब चूहे के शरीर पर लक्षण दवाई 1 के नहीं बल्कि दवाई 2 के दिखाई देंगे। अब यदि वैज्ञानिक को चूहे के शरीर पर दवाई 1 के लक्षण देखने हैं तो किसी न किसी तरीके से उसकी प्रतिरोध क्षमता खत्म करनी होगी। चूहा उन जानवरों में से एक है जिसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता खत्म करना वैज्ञानिकों के लिए सबसे आसान है। जब चूहे की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी तो वह दवाई 1 को दवाई 2 में नहीं बदल पाएगा और शरीर में लक्षण भी दवाई 1 के ही दिखाएगा। आप यह तस्वीर देखिए, यह क्या है? यह एक इंसान का कान है जिसको चूहे के शरीर में एक ढांचा डालकर तैयार किया जाता है। ढांचा 2 महीने बाद गल जाता है और कान को निकाल के इंसान को सर्जरी करके लगा दिया जाता है। जैसे जैसे इंसान बढ़ता है वैसे वैसे कान भी बढ़ता है। दोस्तों, यह थे कुछ मुख्य कारण चूहों पर टेस्टिंग करने के। आशा करता हूँ मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को ऑल पर कर देना।